Hi everybody, welcome back to Film Company. And today we'll be reviewing Kala, The Unwanted. ये एक मलयालम थ्रिलर है और इट्स ऑन अमेजोन प्राइम. और काला का क्या मतलब है अगर आप पूछें तो रफली 1.5 hours into it, एक बहुत ही ब्रूटल सीन, सडनली एक टेक्स्ट बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज या बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, वो भी तब जब ओनली 40 मिनट्स आर रिमेनिंग एंड पब्लिक आर लाइक अभी ये क्या डिस्क्लेमर क्यों, ऐसा डिस्क्लेमर क्यों जबकि ये यूजुअली स्टार्टिंग ऑफ द फिल्म में आता है, बट ये इट कम्स इन द मिडिल. यस रजत, व्हाट डू यू फील अबाउट? मैं तो ये कहूंगा ये एक डायरेक्टर की सोच है, ठीक है, थॉट प्रोसेस. यस डेफिनेटली थॉट प्रोसेस है, हर बार कुछ नया दिखाना लोगों को. ठीक है, आपने नोटिस भी किया होगा कई ऐसी फिल्में होती हैं कि फिल्म का काफी पार्ट निकल जाता है, बीच में आता है डायरेक्टेड बाय, लास्ट में आता है जब इतना सीन निकल जाता है, तो एक स्टाइल है काम करने का. हाँ, अगर ये डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में आता देन इट्स लाइक अ पब्लिक के पहले से ही यू नो बनता है कि आगे क्या आने वाला है. लेकिन अब वॉयलेंस ही वॉयलेंस है, बट गाइज बिलीव मी, इसमें वॉयलेंस भी ऐसा दिखाया है मानो कि आर्टिस्ट अपनी कला दिखा रहा हो. अमेजिंग. हाँ जी, सीरियसली गाइज. और मैं बताना चाहूंगा कि देर इज इसमें शाजी जो कैरेक्टर का नाम है, जो जिसको प्ले किया टोविनो थॉमस ने, और वो अपनी वाइफ से बहुत लव करते हैं, जो जो इसमें प्ले कर रही है विद्या, इसमें कैरेक्टर का नेम जो प्ले किया दिव्या पिल्लई ने, एंड हिज सन अपूस, और उनके साथ में उनका डॉग है ब्लैकी, वो है. और एंड सबसे ऊपर हम बात करेंगे तो उसके फादर जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा डिसअप्रूविंग है, और वो कैरेक्टर प्ले करते हैं लाल, जो बहुत अच्छे एक्टर हैं इस इंडस्ट्री, मलयालम इंडस्ट्री के. शाजी अपने आप से अपने आप से और अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और साथ ही वो कोई एक अनहोनी के लिए पहले से ही रेडी हैं. ये से मुझे बहुत मार्वलस लगा कि फिल्म के फर्स्ट हाफ आवर की मैं बात करूँगा गाइज, वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज के लिए रेडी हो रहे हैं, और वो चीज क्या है वो किसी को नहीं पता, इनफैक्ट उनको भी नहीं पता होता कि ये मुझे दिखने वाला है. तो ये मुझे बहुत कमाल लगा, मतलब उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज आई मीन ऑसम. जी शरण, करेक्ट. और कहानी में देखें तो एक आफ्टरनून जब इस वाइफ विद्या और उनका जो बेटा है अपूस, वो अपने पेरेंट्स के यहाँ जाती है, और हिज फादर इज ऑफ फॉर चेकअप, तो वो नहीं आ पाते हैं, तो उसका सामना होता है एक अननेम मैन प्लेड बाय सुमेश मून, एंड जो कि शाहजी से रिवेंज चाहता है. व्हाई इज दिस रिवेंज, क्यों होता है और उसके आगे क्या होता है? जी रजत. हाँ, मोर का करेक्टर शाजी के डॉग को मारना चाहता है, इसके कारण एक भयानक चेस पैदा होता है जहाँ वो लड़ते हैं, टूटते हैं, उनको चोट लगती है, खून बहता है, बहुत सारी ड्रैगिंग है, काटना है, खींचना है, एंड जहाँ बहुत सारा स्क्रैच आता है, इट इज अमेजिंग. हाँ हाँ जी बताइए. यस, एंड फिल्म का सेकेंड हाफ बहुत केयरफुली एडिट किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताते हैं अपने ऑडियंस को, जहां ध्यान रखा गया है कि कुछ भी ऑड या ओवर नहीं लगे, यहाँ तक कि गाइस आप देखेंगे कि लड़ते लड़ते टोविनो थॉमस अपने अंडरवियर में आ जाते हैं, लेकिन वो सीन भी इतना केयरफुली एडिट किया हुआ है कि उसमें भी कुछ ऑड नहीं लग रहा है. मतलब वो इतना मैं क्या कह इसको, मतलब हम लोग क्या बोले, ब्रूटल सीन है वो, जब वो लड़ाई हो रही है और वो एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन तो भी वो सीन अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि वो सीन की डिमांड है, कि वो किस तरह से उसको प्रेजेंट किया है. और डायरेक्टर का अगेन मैं कहना चाहूंगा कि मतलब जो उसका थॉट प्रोसेस है देख के मजा आ गया. और उनकी फाइट इतनी रॉ फाइट लगी है गाइस, लेकिन और वो साथ ही दिखाया कि वो कितने डेस्परेट हैं, दो कैरेक्टर्स आपस में लड़ रहे हैं और वो क्यों लड़ रहे हैं, खैर ये देखने मजा आएगा. जी जी. और ऑडियंस कैन फील कि कैरेक्टर्स की जो पल्स है वो टूट रही है, और वो लड़ते लड़ते थक रहे हैं, वो गिरते हैं फिर वो उठते हैं और फाइट करते हैं फिर गिरते हैं, तो इट्स अ वेरी इंटेंस फाइट सीन एज जीत ने बताया. और एंड टू फील दिस यू हैव टू सी दिस मूवी ऑन अमेजोन प्राइम गाइस, प्लीज डू वॉच द फिल्म एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू लाइक आवर रिव्यूज. और आपके कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि एनी अदर मूवी दैट यू वॉन्ट अस टू रिव्यू.
we'll do it. Yes. Thank you. So guys, please see this movie. Or please bataiyega aapke comments kya hai. It's an awesome movie. Yes. Okay. All right. Bye. Thank you.